अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन और मेरे साथ हैं ताज सराज। जनाब, कुछ सीन इस तरह से हमने बनाया है कि आज हम मौजूद हैं फेडरल एरिया की जो चौरंगी है, मशहूर वाटर पम्प चौरंगी, वाटर पम्प चौरंगी पर मौजूद हैं। और एक तरह से ये वाटर पम्प की चौरंगी जो है एक फूड स्ट्रीट बन गई है छोटी सी। और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जिसमें मामू कबाब हाउस जो कि हमारा पहला पड़ाव है, उसके बाद हम आगे जाएंगे और देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं, आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है एक खाना सब्सक्राइबर के साथ। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो अली ख़ान भाई हैं। तो अली ख़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राशिद भाई, ताहा भाई? भाई बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताएं, आप कैसे खरीद से हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा इन्विटेशन इन्होंने दिया था मुझे, तो आज जो है ना आए हम लोग ये वाटर पम्प की फूड स्ट्रीट। माशाल्लाह राशिद भाई भी साथ होंगे और ये अपना ताहा भाई भी साथ होंगे हमारे, और आप भी हमारे साथ ही होंगे। तकरीबन 9:30 बज रहे हैं तो ठीक ठाक भूख लग रही होगी इस वक्त? तो बहुत जोरों पे है राशिद भाई, आप क्या खिला रहे हैं आपके लिए बताएं भाई। हम तो हमारा जो प्लान तो यह है वो मैं बता देता हूँ कि हम मामू कबाब हाउस पे आए हैं और यहाँ पर हम इनके जो मशहूर जो है ना वो है धागे के कबाब। धागे के कबाब जनाब बहुत मशहूर हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे। इसके साथ गोला कबाब है, वो ट्राई करेंगे। और क्यों क्यों ताहा भाई, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल भाई, धागा कबाब जो है राशिद भाई ने रिकमेंड किया है, धागा कबाब ट्राई करते हैं। मैंने तो नहीं खाया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। हालांकि बहुत अरसे तक मैं रहा हूँ यहाँ पे, मगर ये फिर भी जो है वो आना नहीं हुआ यहाँ पे कबाब खाने। तो आप ताहा भाई जो है वो थोड़े से अनफिट हैं तो इसीलिए थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। भाई अली भाई, क्या लेकर आ गए हैं आप? ये राशिद भाई मेरी तरफ से आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट है, बिल्कुल छोटा ही है। अरे यार, ये आपने तकल्लुफ किया भाई। भाई आपका, ये राशिद भाई आपका। अरे सर, ये आपने बड़ी तकल्लुफ किया है। अरे और ये बेहतरीन यूनाइटेड किंग का कुछ इसके अंदर लग रहा है मुझे अभी। हम पूरा सील करा के आए ताकि हम जो है ना खोलने वाली गुंजाइश नहीं है। तो भाई सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे कहूंगा कि ये तकल्लुफात बिल्कुल नहीं किया करें। अली भाई आपने भी तकल्लुफ किया। अच्छा जी, ऑर्डर तो हमने दे दिया है, ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। वो देखें सूरत हाल क्या है तावे की, भूख के हमारे जो बुरा हाल हो रहा है। और ये अली भाई जो हैं ये भी बेचारे काफ़ी दूर से आए हैं हमारे लिए, तो अभी जैसे ही आएगा जनाब तो लगता है कि दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। क्यों था भाई? बिल्कुल होने वाला है, इंतजार हो रहा है। क्यों अली भाई? बिल्कुल भाई, इंतजार है इस चीज़ का जो राशिद भाई ने ऑर्डर दिया है, आपको भी बताएंगे खाके। इंतज़ार रहिएगा और हमारे साथ ही रहें। अच्छा जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई जनाब, खाना आ गया है। हमने जो अभी मंगवाया है यहाँ का जो मशहूर ज़माना है वो धागे वाले कबाब हैं। ये आप देख रहे हैं, ये धागे वाले कबाब हैं। इसका सीन कुछ इस तरह से होता है कि इसमें ये धागे लगे हुए होते हैं, ये धागे आपको इस तरह से निकालने होते हैं। सबसे पहले आप ये एक थोड़ा सा रोटी तोड़ें और ये धागा इसको इस तरह से आपने निकालना है। ये इस तरह से धागा निकल जाता है। ये धागे वाले कबाब है जनाब। अच्छा, ये जो रखा हुआ है ये गोला कबाब है, ठीक है। दोनों बीफ के हैं और टेस्ट में मुझे लगता है थोड़ा एक जैसा ही होंगे, थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो अभी मैं जो आपको चेक करके बता रहा हूँ वो धागे वाले कबाब चेक करके बता रहा हूँ। तो एक मसला ये भी है कि यहाँ जो माहौल बना हुआ है ना, बारबेक्यू लगा हुआ है चारों तरफ और लोग काम कर रहे हैं, बाहर की तरफ लोग बैठे हुए हैं और फैमिली जो है खाना खा रही है, बारबेक्यू की जो खुशबू होती है ना, उस खुशबू से जो है वो भूख जो है बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं अभी चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या सूरत हाल है। ये मैंने निवारा लिया है कबाब का, ये जनाब ये निवारा यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। और ये मैं चेक करता हूँ,
बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मुंह में रखा है और समझने से कीमा बिल्कुल घुल सा गया और ठीक ठाक गला हुआ टेंडर और बहुत ही मज़ेदार है, जायका बहुत ही फर्स्ट क्लास बेहतरीन। अच्छा जी राशिद भाई ने तो दोनों चीज़ों के बारे में बता तो दिया कि हमने ऑर्डर क्या दिया था, अब रिव्यू जो ढाका कबाब को तो राशिद भाई दे चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक गोला कबाब का रिव्यू दे दूँ। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त शक्ल है। अच्छा गोला कबाब जो है वो आप जिस तरह से खाना चाहें, चपाती के साथ खाना चाहें चपाती के साथ खा सकते हैं, पराठे भी हमारे साथ मौजूद हैं खा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं रूखा ट्राई करूँगा ताकि जो इसका अपना टेस्ट है वो प्रोमिनेंट हो जाए, पता चल जाए किस तरह से है। बहुत सॉफ्ट हुए हैं। अच्छा धागा कबाब में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ही होता है कि ये थोड़े से हार्ड होते हैं और इसमें जो है वो ब्राउन वाली प्याज जो है वो प्याज ब्राउन करके डाली जाती है, जबकि उसमें धागा कबाब में प्याज डाली जाती है मगर ब्राउन करके नहीं डाली जाती। तो अब खा के देखते हैं। चटनी भी मौजूद है, इमली की चटनी। अच्छा चटनी जो है वो तो बारबेक्यू का लाजमी जुज है, ये यानी है तो साइड आइटम मगर लाजमी जुज है। खा के एक ही बात आ रही है और वो बात ये भाई वाह मज़ा आ गया ज़बरदस्त। भाई राशिद भाई और कहा भाई ने तो अपना रिव्यू दे दिया, मैं आपको पराठे के साथ ये गोले कबाब का रिव्यू देता हूँ। बड़ा ही गरम गरम गोला ये पराठा है और ये उठाया गोला कबाब, ये लगाया चटनी पे। बहुत ही ज़बरदस्त, एक मेल्ट हो रहा मुँह में जाके, और काफ़ी स्पाइसी है। जो स्पाइसी लोग हैं वो आके उन्हें बहुत पसंद आएगा। आप भी आएँ तशरीफ़ लाएँ यहाँ और मामू बारबेक्यू जिंदाबाद। भाई ये कबाबों की जो जान होती है ना वो होती है चटनी, ठीक है ना, तो चटनी में लगाएं इस तरीके से और फिर इसको खाएं। चटनी के साथ जो खाने में मज़ा है ना उदम है उदम। अच्छा जो यहाँ की पाइनी चीज़ कह लें या सिग्नेचर चीज़ आप कह लें वो यहाँ के धागा कबाब है। अच्छा धागा कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल इनका टेस्ट है, मसाले जो बैलेंस हैं बिल्कुल इक्वल हैं। इसके मुकाबले में गोला कबाब जो है थोड़े से स्पाइसी है ज़्यादा, मगर दोनों चीज़ों में जायका अपने लिहाज से मुनफरद है, मज़ेदार है। जो लोग स्पाइसी खाने वाले हैं तो मैं उनको तो ये रिकमेंड करूँगा कि वो गोला कबाब मंगाएँ, और अगर आप थोड़ा सा कम स्पाइसी पसंद करते हैं तो उनके लिए धागा कबाब जो है बेस्ट है। अच्छा तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं कुंदन ब्रोस पे, और कुंदन ब्रोस जो है वो इस वक्त गूगल पे टॉप 10 में आता है कराची के। तो तावाई क्या ख्याल आपका क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे आइटम हैं मगर जो यहाँ की ख़ास चीज़ है और मशहूर चीज़ है वो यहाँ का ब्रोस्ट है, तो हम वो ट्राई करने हैं, ट्राई करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कैसा जायका है और कैसे बन रहा है। तो स्पेशली हमने फिर बात भी की यहाँ के ऑनर से कि भाई उनको तो शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि हम जो है वो टॉप 10 में आ रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बताया कि आपका इस वक्त गूगल में टॉप 10 में आ रहा है। तो हमारे साथ अली भाई भी हैं, तो आइए चलते हैं यहाँ का ब्रोस चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। आइए
जनाब कुंदन ब्रोस्ट मशहूर ज़माना जो है वो यहाँ पर हम आ गए हैं जी, हमारा ब्रोस्ट भी आ गया है। और ये आप देखें, ये प्लेट इन्होंने तैयार की है, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और मैंने जो कि मंगवाया था लेग पीस, तो ये लेग है, और साथ में इन्होंने ये बन दिया हुआ है, ठीक है ना, डॉन का ये बन है, ज़बरदस्त किस्म का बन लग रहा है मुझे। और ये जो है लेग है, तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म है लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। बस गर्म हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह, थोड़ा क्रिस्पी है और अंदर से गला हुआ भी है ज़बरदस्त किस्म का। और इसको ये कह लेंगे फुल आँच पे जो है ना इसको पकाया है, ठीक ठाक गर्म हो रहा है यार, और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा फजूलियात इसके अंदर नहीं है, जायका भी बेहतरीन है। और एवन भाई, जैसा कि राशिद भाई ने बताया, हम कुंदन पे मौजूद हैं और इनका मशहूर ज़माना ब्रोस्ट हमारे पास है, प्लेन ब्रोस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले लेकिन हम इनके फ्राइज़ चेक करें, ज़बरदस्त क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है आलू की। और ये प्लेन ब्रोस्ट जो मैं आपको खा के बताता हूँ, बहुत ही गर्मा गर्म है, आप देख सकते हैं हाथ जलने, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, और पूरा फ्राइड है, और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की भी क्वालिटी है और बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये यहाँ पे हमने जो मंगवाया है ब्रोस्ट, जो इनका सिग्नेचर ब्रोस्ट है वो प्लेन ब्रोस्ट है, वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, क्रिस्पी ब्रोस्ट भी है, मसाला ब्रोस्ट भी है, मगर हमने मंगवाया है सिंपल ब्रोस्ट, सादा कह लें तो सादा ब्रोस्ट है, और मुझे तो सीना पसंद है इसलिए मैंने सीने की बोटी मंगवाई है, आप देख सकते हैं बोटी भी, और उसके साथ में ये विंग्स वाला पीस मौजूद है। अच्छा, उसके साथ ये सॉसेज भी आप देख रहे हैं मौजूद हैं, ये तो केचप है, टमाटो केचप है, ये चिल्ली गार्लिक सॉस है, और ये रायता है, इसमें भी गार्लिक ऐड हुई हुई है, तो अब मैं खा के बताता हूँ, मसाला भी देखें। अच्छा, जो ब्रोस्ट में ये लोग जो चिकन इस्तेमाल करते हैं वो स्किन वाली चिकन है, जब बाज़ लोग जो चिकन इस्तेमाल करते हैं वो विदाउट चिकन वाली होती है, मगर ब्रोस्ट में जो मज़ा आता है ना वो स्किन वाली चिकन का ही आता है, वो उसकी अलग बात होती है। तो मैं सॉस से ट्राई करता हूँ, ज़बरदस्त, बहुत ही बैलेंस मसाले लगे हुए हैं, अमूमन ये होता है ब्रोस्ट में मसाले के ऊपर तो आ रहा होता है मगर अंदर जो है मसाला फील नहीं हो रहा होता, उसमें वाली बात नहीं है। सीने का भी बोटी तो वैसे ड्राई होती है मगर ये फिर भी जो है वो चबाने में मुश्किल नहीं हो रही, अमूमन सीने की बोटी में होता ही है कि वो रबर की तरह हम उसको घुमाते रहें, मगर इसमें बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं हो रहा है, ज़बरदस्त जो है वो जाके जो है वो फ़ौरन घुल गई है बोटी, मज़ा आ गया। ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था 1988 के अंदर, वो कुंदन ब्रोस्ट इंग्लैंड गए थे 1986 के अंदर, तो वहाँ से नाम उनको पसंद आया था, इंडियन रेस्टोरेंट था, चली गई। इसके अंदर अब चाइनीज़ भी है, बारबेक्यू भी है, पूरा फास्ट फूड है हमारे पास, रोल्स हैं हमारे पास, सारी वैरायटीज़ हैं हमारे, और एक ब्रांच है, और एक हमने ब्रांच 1998 में खोली थी कारसाज ब्रांच पर, तो वो एक दो ब्रांच है, और अब दो ब्रांच अभी हम रन कर रहे हैं कराची के अंदर। हमारे कस्टमर्स जो है बहुत पुराने हैं, अब वो हम एक साथ उनके लिए नहीं जा सकते इतना आपके हाई रेट ले लें या कोई ब्रांडिंग वाले रेट ले लें, तो हम ऐसे रेट रखते हैं जो कस्टमर हमारे लिए ईजिली एक्युमुलेट कर सके। भाई, ये कुंदन ब्रोस की जो पहचान है ना, ये अली भाई हैं, आप इनका पहचान लें। ये कितने साल से हैं अली भाई यहाँ पे? मेरे को 18 साल है। 18 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और ये पहचान है यहाँ पे, ठीक है। आप आएंगे तो पहले अली भाई के पास आना है, आपने खुसूसी डिस्काउंट भी देंगे हैं अली भाई, ज़रूर ठीक है, मजाक करो भाई। अच्छा, ये जो कुंदन ब्रोस है ना, ये रोड आ रही है वाटर पम्प से, ठीक है जी, वाटर पम्प से आप आएँगे तो ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने जो है ये आप देखें, ये कुंदन ब्रोस्ट जिंगर सैंडविच बारबेक्यू रोल एंड चाइनीज़, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं।
तो नाज़रीन, ये वाटर पम्प की जो फूड स्टेट है, अब हम पहुंच गए हैं आसिफ रबड़ी हाउस पे। ये जनाब आसिफ रबड़ी हाउस, माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई। तो भाई ये तो शुगर फ्री भी है यहाँ पे रबड़ी। राशिद भाई का काम हो गया भाई, शुगर फ्री ज़ाफ़रानी रबड़ी भी है जनाब, और ये पिसा रबड़ी भी ज़बरदस्त किस्म का मुझे लग रहा है, कुछ सादा रबड़ी। तो क्या प्रोग्राम है ता भाई, क्या लेना है आप बताएं। ये चारों आइटम जो है ना रबड़ी के ही है, और सादा रबड़ी ये पसंद करूँगा भाई, सादा रबड़ी लूँगा, सादा रबड़ी। आप कौन सी लोगे? क्या भाव है बस, क्या भाव है? सादी रबड़ी 170 रुपये का है। सादी रबड़ी 170। अच्छा, प्लेट का हिसाब नहीं होता आप लोगों का? प्लेट के हिसाब आधा पाव का होता है। आधा पाव का होता है, तो क्या करें जी, तीन प्लेट बनवा लें, तीन प्लेट ज़रा बना दें। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मामला लग रहे हैं यहाँ पर जी भाई, और ये हमारी रबड़ी जो है उसकी प्लेटें आ गई हैं, तो ये चेक करते हैं फिर आपको फीडबैक देते हैं। अच्छा जी, ये तीन तरह की रबड़ी ली हमने, ये ज़ाफ़रानी रबड़ी है, ये सादी रबड़ी है सादा लोगों के लिए, और ये शुगर फ्री जो लोग शुगर नहीं खाना चाहते उनके लिए भी है, तो ये ट्राई करते हैं। ता भाई भाई सादा लोगों के लिए सादा रबड़ी, मगर रबड़ी की तो जो सादगी है ना, सादगी में ही जान है। बहुत ही रिच सीन लग रहा है, आप देखें आप कैसे जो है, खा के देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी ठंडी मज़ेदार रबड़ी भाई, मैं रिव्यू दूंगा ज़ाफ़रानी रबड़ी का, और ये खा के देखते हैं कैसी है, देखने में तो बड़ी लजीज लग रही है। काफ़ी लच्छेदार रबड़ी है और मीठा बिल्कुल मुनासिब है, ऐसा नहीं है कि बाज़ रबड़ियों में बहुत तेज़ मीठा होता है और वो गले में लगता है, बिल्कुल मज़ेदार मीठा है ये। ये जनाब रबड़ी आ गई है, इसको चेक करते हैं। लेकिन भाई ये हमारे जो अली भाई है ना, इन्होंने जो रिव्यू है बड़ा ज़बरदस्त दिया है, लेकिन थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज ना हो, इन्होंने शुरू में गर्दन यूँ हिला दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ख़राब है, वो अपना अपना स्टाइल है भाई, हमारा अपना स्टाइल है। तो ये रबड़ी चेक करते हैं, ज़बरदस्त भाई था भाई, बेहतरीन। हैदराबाद की जो है हाजी रबड़ी जो है ना, उसका मद्दे मुकाबले आप समझ लें इसको, बेहतरीन। अब ये कराची में भी जो है ना हर चीज़ मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, यहाँ भी मिलेगी, बेहतरीन है। अच्छा, ये जो भी हमने जैसे खाने खाए ना, चटपटे और मज़ेदार खाने खाए थे, तो उसके बाद तो लाजमी था कि भाई कोई ऐसा मीठा हो ज़बरदस्त वाला, जो कि खाने को बैलेंस कर दे। मीठा तो आप वैसे भी आप सफर की सुनना थे, और एक लाजमी जुज हो जाता है इस किस्म का खाना खाने के बाद, तो इसने जो है ना पूरी कसर निकाल दी है, मज़ा आ गया। अच्छा जी, तो नाज़रीन इस वक्त सूरताल बड़ी पेचीदा हो गई है। आज जो है वो वाटर पम्प की जो फूड स्ट्रीट है, हमने उसको घूमा भी है, देखा भी है, और खाया भी है, अभी मज़े भी किए हैं। तो अली भाई मज़ा आया नहीं आया? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और ये दिन बड़ा यादगार रहा आज का, और बहुत ही मज़ा आया। दोनों भाई ताहा भाई और राशिद भाई, अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे, आबाद रखे, और आपके चैनल को और तरक्की दे, आपके सब्सक्राइबर उसमें इजाफा हो, दिन ब दिन मेहनत करें आप लोग, और बहुत अच्छी वीडियोस आप लोग बनाते हैं भाई। ये ऐसा यादगार रहेगा इंशाल्लाह, ये ज़ाहिर है यूट्यूब पे तो रहेगी वीडियो, और आप जहाँ कहीं भी होंगे इसको एक्सेस भी कर सकते हैं आराम से। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी, और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के मज़े मज़े के खाने और मज़े मज़े की वीडियोज़ आप लोगों को दिखाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।